दोस्तों इस साल मई के महीने में सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ। 42.9 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के साथ दिल्ली के लोगों का हाल कुछ ऐसा हुआ जैसे जलते तवे पे भुट्टे सेक दिए गए हो। हर साल ऐसी भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग ये दुआ करते हैं कि इस साल सर्दी जल्दी पड़ जाए, लेकिन हमारी राजधानी सर्दी के मौसम में अलग ही परेशानी ले आती है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा डेवलप किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बताती है कि इस शहर में कई जिलों में AQI की रेटिंग 400 के पार हो चुका है, यानी एयर की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पुअर है। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो दिल्ली में एक एवरेज नॉन स्मोकर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम से कम 20 साल तक रिड्यूस हो चुकी है। लोग कई सारे गंभीर बीमारियों का शिकार बन रहे हैं जैसे कि अस्थमा, लंग कैंसर एक्सेट्रा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दिल्ली सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन क्यों फेस करता है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एडुकेटर। मेरा नाम है प्रखर शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। दोस्तों हर साल जब भी दिवाली आती है तब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और जुडिशरी ये कहते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि दिवाली में पटाखे ना फोड़े जाएं। लेकिन दिल्ली में चल रहे एयर पॉल्यूशन का मेजर कारण सिर्फ और सिर्फ दिवाली नहीं, बल्कि उसके लिए और भी कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। द मेजर कल्प्रिट इज व्हीकुलर एमिशन। दिल्ली में बहुत सारी गाड़ियों से निकलता हुआ एमिशंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा पंजाब में और हरियाणा में जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू जो बच जाते हैं उसका बर्निंग यानी स्टबल बर्निंग की वजह से जो स्मोक है वो दिल्ली की तरफ आता है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी का जो एयर की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। विंटर्स के समय नॉर्थ से आने वाली हवाएं जो है, सर्दी वाली हवाएं हैं, वो साउथ की तरफ जाती हैं, और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से भी जो हवाएँ हैं वो नॉर्दर्न के डायरेक्शन की तरफ रुक करती है। तो ऐसे में जो हवाओं का जो टकराव होता है वो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो दिल्ली है, और ये जो स्टबल बर्निंग की जो हवा है उसकी हवा यहाँ पर दिल्ली में एक्यूमुलेट होती है, उत्तर प्रदेश बिहार की हवा एक्यूमुलेट होती है, जिसकी वजह से विंड स्पीड में भारी कमी आती है और सारा जो पोल्यूशन है, सारी जो गंदगी है वो दिल्ली में जमा हो जाती है। अब सवाल ये है कि स्टबल बर्निंग असल में है क्या। हर साल जून के महीने में पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो पैडी क्रॉप्स उगाते हैं। पैडी क्रॉप्स यानी कि राइस। राइस का एक पर्टिकुलर वेरिएंट है पूसा 44। जब इनकी हार्वेस्टिंग होती है तो वो हार्वेस्टिंग कई सारे हैवी मशीनरी से होती है। उन फसल की कटाई के बाद खेतों में बहुत सारा रेसिड्यू रह जाता है, रेसिड्यू यानी वेस्ट। जैसा कि आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, हमारे एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स में खरीफ रबी पैडी क्रॉप्स उगाए जाते हैं। पैडी क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद खरीफ क्रॉप्स को उगाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये हार्वेस्टिंग बहुत ही जल्दी प्रोसेस होता है इसलिए फार्मर्स के पास ज़्यादा समय नहीं बचता है कि वो सारे रेसिड्यू को मैन्युअली रिमूव करे। प्लस जो लेबर कॉस्ट है रेसिड्यू रिमूवल का वो काफ़ी एक्सपेंसिव अफेयर है, इसलिए किसान ज़्यादा समय ना बर्बाद करके उन रेसिड्यू को खेतों में ही जला देते हैं ताकि जल्द से जल्द खरीफ क्रॉप्स के उगाने का टाइम में ज़्यादा देरी ना हो। लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट है वो उसका जो ब्रेंट है वो हमेशा दिल्ली को सहन करना पड़ता है, और क्योंकि सरकार MSP भी वीट और राइस पे ही प्रोवाइड करती है इसलिए अक्सर किसान जो है वो राइस की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट ग्राउंड वाटर का जो डिप्लीशन है उसको रोकने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने एक कानून लाया था 2009 में। ये कानून था पंजाब रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट। इस कानून के तहत जो राइस के क्रॉप्स अप्रैल और मई के महीने में उगाए जाते थे उनको शिफ्ट कर दिया गया जून में। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने फार्मर्स से कहा कि जो राइस की फसल जो आप अप्रैल और मई के महीनों में उगाते हो उसको आप जून में उगाओ। इसका सिंपल कारण ये था वाटर को कंजर्व करना, क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में फार्मर्स 4,500 लीटर्स ऑफ वाटर को यूटिलाइज कर लेते थे राइस को उगाने के लिए, जबकि जून के महीने में ये वाटर रिक्वायरमेंट 1500 से 2000 लीटर तक ही सीमित रह जाती थी। इस डिले के कारण ही खरीफ क्रॉप्स के लिए जल्द से जल्द लैंड क्लियर करने की प्रोसेस शुरू हुई और इसी से स्टबल बर्निंग की शुरुआत हुई।
दोस्तों दिल्ली में दूसरा सबसे बड़ा कारण पोल्यूशन का है, वो है व्हीकल एमिशंस। पिछले साल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इन अ स्टडी कंक्लूडेड कि व्हीकुलर एमिशंस की वजह से 51% का उछाल देखा गया है PM2.5 में। पार्टिकुलेट मैटर वो टर्म है जिसमें स्मॉल माइक्रोस्कोपिक सॉलिड एंड लिक्विड पोल्यूटिंग पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड होते हैं। ये पार्टिकल्स को अगर ह्यूमंस ने इनहेल किया तो सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। व्हीकल एमिशंस के अलावा इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से 11% और 7% का उछाल देखा गया है पार्टिकुलेट मैटर में। पिछले साल अक्टूबर में नाइट्रोजन ऑक्साइड विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर उसकी क्वांटिटी अराउंड 60% थी। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट की स्टडी ने यह दावा किया है कि भले ही स्टबल बर्निंग की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होता हो, लेकिन एनुअल पोल्यूशन में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 3% से भी कम है। इसका मतलब ये कि स्टबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन सिर्फ कुछ महीनों का इशू क्रिएट करता है, जबकि व्हीकल से या फिर व्हीकुलर एमिशन से दिल्ली का पोल्यूशन ज़्यादा होता है। ऊपर से दिल्ली की बदकिस्मती ये है कि 2020 के बाद से आज तक दिल्ली में अच्छे क्वांटिटी में रेनफॉल भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये पार्टिकुलेट मैटर एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। हर साल सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और भारत सरकार ये कोशिशें करती है कि किसी तरह से दिल्ली का ये प्रॉब्लम सुलझ सके, फिर चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स का डेवलपमेंट हो या फिर एडवाइजरी इशू करना, चाहे वो ऑड इवन रूल हो या फिर पूसा के वेरिएंट में सुधार लाना। लेकिन सच्चाई तो यही है कि कांस्टेंट एफर्ट्स के साथ ही ये परेशानी सुलझ सकती है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।